एक जगह आधार अपडेट होने से उमड़ रही भीड़, परेशान लोग पहुंचे थाना। एक दिन में 40 से 50 लोगों के हो रहे काम हटा। हटा आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने के लिए एकमात्र सेंटर पोस्ट ऑफिस में होने से प्रतिदिन भारी भीड़ जमा हो रही, जबकि पहले करीब ब्लॉक में एक दर्जन आधार कार्ड करीब ब्लॉक में दर्जन किए जा रहे थे, लेकिन इसके रूप अधिक वसूलने की शिकायत पर आईडी बंद कर दी गई, जिससे एकमात्र जगह पर अपडेशन कार्य चल रहा है। जानकारी के अनुसार एक सेंटर पर सिर्फ 30 से 40 हितग्राहियों के आधार कार्ड अपडेट नवीनीकरण पंजीयन हो सकते हैं, जबकि प्रतिदिन 200-300 लोग काम कराने आ रहे हैं, जिससे परेशान होकर बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों के साथ थाना पहुंचे और पुलिस को अपनी समस्या बताई। टीआई मनीष मिश्रा ने से ग्रामीणों ने मदद की गुहार लगाते हुए पोस्ट ऑफिस हटा में सुरक्षा व्यवस्था और आधार कार्ड कार्य पूर्ण कराने की मदद मांगी, जिसके बाद टीआई द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। भूपेंद्र कुर्मी ने बताया कि हम अपने बच्चे का आधार अपडेट कराने आए थे, लेकिन बहुत भीड़ है और 4 दिन से लगातार परेशान हो रहे हैं। वैशाली ने बताया कि हम सुबह 6 बजे से पोस्ट ऑफिस आ गए हैं और गेट के बाहर खड़े रहे, देखते ही देखते सैकड़ों लोग जमा हो गए, जबकि हम एक सप्ताह से चक्कर लगा रहे हैं। इस संबंध में SDM अभिषेक सिंह का कहना है कि जिला स्तर पर बात की गई है, जल्द और अधिक जगहों पर आधार अपडेट का काम शुरू होगा। हमारा सर जन बंसल, क्या हुआ? हमारे जो राशन आधार कार्ड है जो अपडेट नहीं हो रहा हुआ, उनके पैसे आ गए, भी नहीं कर रहे। 2 महीना से दोनों आदमी परेशान हैं। कब से आ रहे हो? 2 महीना हो गए। 2 महीना जो कागज बनवाए, इतने बनवाए, उतने बनवाए, कहीं जी नहीं तुम्हारे काम कर रहे, फिर भी गए। कहीं पोस्ट ऑफिस अपने होने साइट खुल जाए, अब साइट को, अब साइट जब से खुली है जब से प्रतिदिन आ रहे, आज के 15 दिन हो गए पोस्ट ऑफिस। क्या बोल रहे वो है? वो क्या बोल रहे? ये कह रहे आज आओ कल आओ, यही तो पर्ची कह रहे हैं। पर्ची में जो आए अब लोग जान से तो बच रहे, मरत तो फिर रहा है। लो भाई लोग भी वहाँ सो गई थी, एक भाई जूता ने वक्त गए कुत्ते से, फिर जाए जूता ढूंढ कर लाए। कहाँ करें मजदूर यहाँ से तो हैं। अब लोग अभी जो हो गए परेशान, जो भिंजे जरे पसीना में। कौन से गांव से हो? गोरी कला। क्या करते हो? मजदूरी। धर्मेंद्र कुमार गुर्मी, बालक का आधार कार्ड अपडेट करवाना है, 1 माह से परेशान है श्रीमान जी, BPL में दर्ज है उसके कारण। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? पोस्ट ऑफिस में एक सिंगल जगह पर रहा है, पहले प्राइवेट सेक्टर बना देते, पर समस्या जनता की परेशान है बहुत, इसलिए हमारा निवेदन है कि प्राइवेट सेक्टर को फिर से शुरू किया जाए। नाम आपका? कन्नू अहरवाल। कहाँ से हो? सपोर से। क्या हुआ? इनका बच्चों का नाम लिखवाना है तो आधार कार्ड पर नाम ही नहीं लिख पा रहा है, और आधार कार्ड बनवाना है तो बन ही नहीं पा रहा है। कब से घूम रहे हो? 1 महीने से। क्या बोल रहे हैं वहाँ के सब? अब वहाँ ये भीड़ भाड़ कह रही है, अब ये 20-30 ओपन बढ़ जाते हैं, बस 6 बजे के 6 बजे से आ जाते हैं। सुबह 6 बजे आ जाते हैं? हाँ, 6 बजे। फिर भी नहीं बन पा रहा है? फिर भी नहीं बन पा रहा है। ये पोस्ट ऑफिस का जो आधार कार्ड अपडेट करने की पीपी चल रही है, इस संबंध में आज ज़्यादा भीड़ भाड़ होने से पुलिस ने उस भीड़ भाड़ को समझाया है कि वरिष्ठ अधिकारियों से मिलके हम कोई ना कोई ऐसा उपाय निकालेंगे कि एक दिन में जितने अभी आधार कार्ड अपडेट हो रहे हैं उससे अधिक हो, एक से अधिक स्थानों पर ये प्रक्रिया हो सके। और जो आधार कार्ड अपडेट होने में लेट होने में जो समस्याएं आ रही है, जैसे बच्चों के एडमिशन आदि की, इन सब पर भी विचार करेंगे। हमने उनसे कहा है, जैसे ही वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात होती है तो उनसे कहेंगे इसका उपाय निकाला जाएगा। जिला स्तर पर ही गवर्नेंस मैनेजर से बात भी की गई इस मामले में, उनको भी अवगत कराया गया, उनके भी द्वारा भी बताया गया है कि इसमें जल्दी जो टेंडरिंग प्रक्रिया चल रही है वो पाकिस्तान में कम्प्लीट की जाएगी और यथाशीघ्र जो है अधिक से अधिक संख्या में आधार केंद्र अपने यहाँ चालू किए जाएंगे। खबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें, घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712।